साड़ी, बनारसी साड़ी की दुकान है। हाँ, आयुष क्रिएशन, आरजे साड़ीज की। और भाई ओरिजिनल बनारसी साड़ी है ना? अच्छा, यही अपनी शॉप है। और कोई भी बनारस आता है घूमने, ये देखो ये पूरी इनकी बनारस की प्योर बनारसी साड़ी। ऐसा हम लोग फैक्ट्री आउटलेट है, हम लोग का कच्चा माल ऐसा बनता है। अच्छा। बनारस में कोई आए बनारस में लक्ष्मी चाय पीने, हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ प्योर बनारसी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल बहुत सारी वेराइटीज है। 7408365227 ये मेरा। और आपका नाम? मेरा नाम अमर चौरसिया है। प्रमोटिंग पीपल। अच्छा, तो मेरे को भी प्रमोट करना है यार थोड़ा सा, वो मुश्किल है। तो भाई हम आ गए हैं फाइनली काशी विश्वनाथ मंदिर में, और उसके गेट 4 के पास आ गए हैं। ये देखो भाई, ये काशी विश्वनाथ का गेट 4 है। तो हम लोग VIP का पास लेके जा रहे हैं, 300 रुपीज पर पर्सन का चार्ज है। ये देखो, ये काशी विश्वनाथ ट्रस्ट हेल्प सेंटर है। 07 पैसा वहाँ देना, यहाँ से पर्ची मिलेगी। दुकान लेना, अभी हम दे रहे हैं। चलिए चलो भाई, हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पे, यहाँ तक ही कैमरा अलाउड है, इसके बाद नहीं अलाउड। कैमरा में रखे जा रहे हैं। चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई हो गए बढ़िया से दर्शन काशी विश्वनाथ के। भाई कल हमने आपको होटल नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो थोड़ा सुबह सुबह होटल दिखाया जाए। तो भाई देखो भाई, ये है हमारी होटल, इसका नाम है। अरे ये तो ऊपर ही पहुंच गया। ओहो, इधर है रूम। वाह, ऊपर रूम है हमारा। पहले देख ले नीचे रिसेप्शन, और फिर देखो ऊपर रूम। ओके, तो अभी देखो भाई, काशी रेसिडेंसी है हमारा होटल, और ये पूरा होटल है। और भाई होटल के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है। तो भाई बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये है हमारा रिसेप्शन, वाह वाह। और ये है आयुष जी, और ये है आशीष जी। तो ये देखो, ये है पूरा रिसेप्शन, बहुत कोजी रिसेप्शन है। छोटी सी होटल है, बट बहुत खूबसूरत है। होटल 12 रूम है सर हमारे यहाँ। 12 रूम है जी। अच्छा, वेरी। इसमें से 2 सुइट है और 2 आपका प्रीमियम स्मार्ट है, और बाकी सब नॉर्मल रूम्स है। हमारा रूफ टॉप है, जहाँ अच्छा, पे आप बैठ सकते हैं और गंगा का व्यू देख सकते हैं। ओ वेरी गुड जी। यस, कम इनसाइड। हीटर भी दे दिया है। यस, और ये है पूरा रूम। अरे रूम तो दिखा, भागो। हाँ भागो, नहीं भागो, भागो। ये पूरा रूम है, और यहाँ पे ऐसा सिटिंग एरिया भी एक दिया है। ये देखिए, ये हमारा वॉशरूम है, और एक बैल्कनी भी है। बैल्कनी भी है, जहाँ से, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ था और ऊपर से वेव कर रहा था, ये ही बैल्कनी है। यस, यहाँ से हम खड़े थे और यहाँ चिल्ला रहे थे। यस यस। तो और ये जो होटल है, ये सिचुएटेड है 80 घाट पे। 80 घाट, 80 घाट पे, एकदम 80 घाट एकदम सामने ही है। 84 घाट थे, अभी 80 है, तो 4 घाट विलुप्त हो गए। मतलब मैंने अपने अंदर संभाल लिया उनको। शक्ति है, भक्ति है, हो गया। हाँ, लाइक शेयर कमेंट। और ये चलिए, वो रूम की, अपना जो होटल की डिटेल्स या लोकेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और कहाँ डालेगा डिस्क्रिप्शन? और आयुष का नंबर भी डाल दूंगा। जा के नहीं, नहीं, आयुष का नंबर भी डाल दूंगा, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप गाइस, मैं भी अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा अपने इस पे, तो मुझे भी। आपने आज तक किसी को नंबर अपना दिया है? मेरा ही नंबर देते फिरता है। लेट्स गो। शशांक घाट पे आज अभी गंगा आरती देखने जाने वाले हैं। शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगा आरती की प्रथा कब से स्टार्ट हुई, कैसा आरती करें अपन गंगा किनारे? देखिए, ये बहुत पुरानी नहीं है, 1990-91 से शुरू हुई है ये। अच्छा, 1990, बहुत आदि काल से शुरू हुई प्रथा नहीं है ये। अच्छा, इसका आइडिया आया था ऋषिकेश। अच्छा, ओके। वहाँ परमार्थ निकेतन में आरती होती है। हाँ हाँ, वो शुरू से होती है, बहुत पुरानी है गंगा जी की आरती। अच्छा, वहाँ पे होती है ऋषिकेश में, सबसे पुरानी आरती। अभी देखो भाई, लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत फुल हो चुका है। और भाई एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको शाम की आरती में आना है, 7 बजे की आरती में, तो आप कम से कम 3:30-4 बजे दोपहर को आके अपनी पोजीशन ले लीजिए। तो देखो, लेट हुआ तो ये हालत हो गई है। देखो भाई, सब फुल हो गया है। भाई तो बचा स्पॉट नहीं। हाँ, नहीं नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा, खड़े खड़े होने से बेहतर है बैठ के देखिए। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई, अपने को बेस्ट स्पॉट मिल गया, एकदम मस्त वाला स्पॉट। व्यू देखो भाई, व्यू ऐसा दिखेगा, पूरा पूरा व्यू देखेगा। थैंक्स टू शशांक जी, इन्होंने भाई अंदर हमें चेयर दिला दी। अब यहाँ पे देखिए, 7 प्लेटफॉर्म बने हैं। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेटफॉर्म है ना। देखिए, हिंदू धर्म में हमारे
पहले बात तो हम लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं ये गलत है, हम लोग सनातन धर्म के हैं। बराबर। और हम लोग सनातनी सभ्यता को मानने वाले सनातनी हैं हम लोग। तो सनातन धर्म के हिसाब से जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7 इन सारी संख्याओं को शुभ माना गया है। क्यों? आप इनका जब भाग करेंगे आप इसको पूरे तरीके से समाप्त नहीं कर पाएंगे। डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आप अधिकतर मंदिरों में देखेंगे या तो एक पुजारी होगा या 3 होंगे या 5 होंगे। इसी तरह यहाँ पे 7 है। वाह, हाँ, इसी तरह 7 है। अच्छा, तो ये गंगा जो आरती है ये 2 भागों में विभाजित है। पहला हाफ है वो गंगा आरती है, टिपिकली गंगा आरती, उसमें गंगा स्रोत भी है, गंगा आरती भी है। दूसरा हाफ में शिव जी का शिव तांडव स्रोत शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्यों? ये नगरी तो शिव की है। हाँ। तो गंगा के साथ शिव को भी तो प्रसन्न करना है। हाँ। अब होती क्यों है? गंगा जीवन दायिनी हम लोगों की, बिना गंगा के जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिचुअल्स, इसको आप अगर ऐसे भी देखेंगे, साइंटिफिकली भी देखेंगे, शरीर की मूलभूत जरूरत में सबसे ऊपर आता है पानी। करेक्ट। तो गंगा क्या है? पानी है। ठीक है। अब इस पानी का यूज आप अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये पंडित जितने भी हैं यहाँ पे, पहली बात तो ये सारे पंडित आपके संस्कृत के विद्यार्थी हैं। अच्छा। ये सब लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, शाम का 1 घंटा ये लोग यहाँ पे आगे देते हैं। ओ, अच्छा। ठीक। तो ये जो पुजारी लोग हैं ये प्रॉपरली आपके बनारस के इसमें से कोई नहीं है, ये सब बाहर बाहर से राज्यों से आए हुए हैं। आते हैं लोग, छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में, यहाँ पे पूजा पाठ करने चले जाते हैं। बकायदा इन लोग को सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। तो पहला हाथ तो हो गया आपका गंगा जी के लिए, जिसमें आपका शुरुआत भजन से होगी। भजन के बाद वो संकल्प होता है, संकल्प के बाद आपकी गंगा आरती शुरू होगी और उसके बाद गंगा स्रोत शुरू होता है। फिर आपका सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है, जैसे कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको पता है कि शिव तांडव स्रोत क्या है, उसके बोल पता है। फॉरेनर्स को कैसे समझ में आता है? क्योंकि जो पहला हाफ है वो स्लो मोशन में चलता है, धीरे धीरे रस के साथ। जैसे ही वो खत्म होता है, शिव तांडव अपने आप में एनर्जेटिक स्रोत है, सारा वातावरण अपने आप एनर्जेटिक हो जाएगा, तालियां और ये और वो सब शुरू हो जाएगा। तब अंदाजा लग जाता है कि ये सेकंड हाफ है और ये शिव तांडव स्रोत शुरू हो चुका है। ठीक है। मेरा असिस्टेंट माइक एकदम पकड़ते हुए, एक मिनट, मेरा कॉल आया। कॉल असिस्टेंट का भी कॉल आता है। हेलो, वेरी गुड। तुम्हारे लोग कहाँ? फाइनली आरती स्टार्ट हो रही है अभी। सारे सातों सात पंडित अपने अपने तट पर जा रहे हैं अभी। पहले 2 आरती की थी, अभी आरती के बाद सारे पंडित अपने तट पर जा रहे हैं और अभी रेडी हो रहे हैं। Oh,
कार्ड है उसको एकदम चालू हो गया है। अभी देखो भाई पेस भी बढ़ गया है, पहले स्लो था अभी फास्ट हो गया। आरती पूरी हो गई है, बहुत अच्छी आरती थी गंगा आरती, बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छी सीट दी थी शशांक ने। भाई देखो आरती पूरी हो गई है, सब लोग जा रहे हैं और हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। भाई चलो फटाफट निकलते हैं। थैंक यू शशांक भाई, थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव। चलो भाई अभी बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं आगे कहाँ बढ़े। कुछ पेट पूजा करने जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह।